हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो सीरीज में बेसिकली मैं हाईवे इंजीनियरिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज जो स्टूडेंट्स अभी बीपीएससी का इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो बेसिकली मैं इस सीरीज में कई सारे पार्ट्स होंगे। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम जो बिटुमिनस पेमेंट में वेरियस डिस्ट्रेसेस होती हैं, किस किस टाइप की डिस्ट्रेसेस होती हैं, कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि हमारे पेमेंट में कौन सी डिस्ट्रेस हुई है और हमारे क्या सीवियरिटी लेवल्स हैं उसके और कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा हाईवे रिसर्च बोर्ड ने डिस्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया है, कि जो बिटुमिनस पेमेंट में हम डिस्ट्रेस वर्ड यूज कर रहे हैं उसकी मीनिंग है कि एनी कंडीशन ऑफ पुअर आर अनफेवरेबल पेमेंट परफॉर्मेंस आर साइंस ऑफ इम्पेंडिंग फेलियर एनी अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ अ पेमेंट शॉर्ट ऑफ फेलियर। ये हाईवे रिसर्च बोर्ड 1970 ने जो डिस्ट्रेस की डिफिनीशन ऐसे दी कि जब कोई भी पेमेंट हमारी उसकी जो कंडीशन है, हमें विजुअली देखने से ये पता चल रहा है कि उसकी कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है एंड इट इज इंडिकेटिंग द साइंस ऑफ इम्पेंडिंग फेलियर, यानी हमारा पेमेंट फेल होने की कगार पर है और इट इज नॉट प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, मींस राइडिंग क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है और हमारे एक्सीडेंट प्रोन होता जा रहा है हमारा पेमेंट सर्फेस। तो वो सारी कंडीशंस जब हमारी पेमेंट में दिखने लगती हैं तो उस कंडीशन को हम डिस्ट्रेस बोलते हैं पेमेंट में। तो उसके रीजंस हमारे बहुत से हो सकते हैं। तो बेसिकली हम अपने रीजंस को तीन कैटेगरीज में बेसिकली बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला कैटेगरी जो है वो है एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से, ट्रैफिक रीजंस की वजह से, मटेरियल कॉज की वजह से। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से डिस्ट्रेसेस हो सकती है, वो हो सकता है कि हमारा जो पेमेंट है उसमें एक्सेसिव मॉइस्चर आ गया हो जिसकी वजह से हमारा जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज है बिटुमिन की, आपको पता है बिटुमिन इज मोस्टली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिग्रेड होने लगती हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो जब डिस्ट्रेस कॉज करता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एनवायरमेंटल डिस्ट्रेस। जो हमारा ट्रैफिक डिस्ट्रेस है यानी ट्रैफिक कंडीशंस की वजह से डिस्ट्रेस हो रही है, इट मींस कि हमने पेमेंट एक पर्टिकुलर ट्रैफिक लोडिंग के लिए डिजाइन किया था और हमारा फोरकास्ट गड़बड़ हो गया और हमारी ट्रैफिक कंडीशंस ज्यादा होने की वजह से हमारा पेमेंट डिग्रेड होने लगता है। तो हैवी लोड या हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक के लिए हमारा जो डिस्ट्रेसेस होंगी वो ट्रैफिक डिस्ट्रेसेस की कैटेगरी में आएंगी। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसमें क्या होता है, जब हमारा जो मटेरियल आप यूज करने वाले हो, बेसिकली जो हमारा बिटुमिन कंटेंट है जो आप अपनी पेमेंट में डाल रहे हो, अगर वो हमारा अप्रोप्रिएट नहीं है, हम आपको पता है कि बिटुमिन कंटेंट हमारा ऑप्टिमम होना चाहिए जिस पर हमारी जो स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज हैं अचीव कर पाए, बट एक्चुअल में अगर ये बहुत कम या बहुत ज्यादा होगा तो इट विल लीड टू द डिस्ट्रेस कंडीशन इन द पेमेंट। ठीक है, तो ये तीन मेजर ब्रॉड रीजन हैं जिसकी वजह से हमारे पेमेंट में डिस्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाती हैं। तो लेट्स फोकस ऑन दीज डिस्ट्रेसेस। तो जो ये डिस्ट्रेसेस हैं उनकी वजह से जो हमारे डिफेक्ट्स बिटुमिनस सरफेसिंग पर इंड्यूस हो रहे हैं उनको बेसिकली हम चार कैटेगरीज में, चार मेजर कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। और ये जो हमारी क्लासिफिकेशन है दिस इज बेस्ड ऑन इंडियन रोड कांग्रेस गाइडलाइंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी ये थ्योरी में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो हम जब भी डिफेक्ट्स इन बिटुमिनस सरफेसिंग की बात करते हैं, यानी सरफेसिंग मींस जिस सरफेस पे हमारा व्हीकल एक्चुअली प्लाई कर रहा है, जिस पर गाड़ियां चल रही हैं, हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट जहां पर बिटुमिन बाइंडर की तरह हम यूज कर रहे हैं वो हमारा बिटुमिनस सरफेसिंग हो गई, और उस पे जो डिफेक्ट्स है हम उनको IRC गाइडलाइंस के हिसाब से फोर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है हमारी सरफेस डिफेक्ट्स, दूसरी कैटेगरी है क्रैक्स, थर्ड कैटेगरी है डिफॉर्मेशन एंड फोर्थ कैटेगरी है डिसइंटीग्रेशन। ये इंट्रोडक्टरी सीरीज है तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, आपको बेसिक क्लासिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो सरफेस डिफेक्ट्स हैं, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो ये डिफेक्ट्स हैं ये हमारे सरफेस पर कन्फाइंड होंगे, जो बिटुमिनस का जिस पर हमारे व्हीकल्स प्लाई कर रहे हैं। तो ये डिफेक्ट्स की कैटेगरी में हमारे बेसिकली चार तरीके के डिफेक्ट्स आएंगे, हमारा फैटी सरफेस, स्मूथ सरफेस, स्ट्रीकिंग एंड हंग्री सरफेस। ये आपको नाम दिमाग में रखने हैं, हम लोग वन बाय वन
नेक्स्ट वीडियोस में इनके रीजंस कैसे हो रहे हैं, ये कैसे हमें प्रिवेंट करना है, कैसे इनके सिम्टम्स होते हैं, क्या सीवियरिटी लेवल्स है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड कैटेगरी है हमारे क्रैक्स, क्रैक्स बेसिकली अभी मैं इनकी फोटोज भी आपको दिखा दूंगा, तो यहां की बजाय हम शिफ्ट हो जाते हैं नेक्स्ट फोटोग्राफ्स पे, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सरफेस डिफेक्ट मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो सरफेस पर हमारे बिटुमिनस सरफेस पे जो डिफेक्ट्स हो रहे हैं वो हमारे सरफेस डिफेक्ट्स की कैटेगरी में आएंगे, और बेसिक इनके दो रीजंस हैं, ये आप ध्यान रखिए। सरफेस डिफेक्ट्स आर मेनली ड्यू टू टू रीजंस। पहला कि हमने जो बिटुमिन यूज किया है यानी बाइंडर यूज किया है उसकी जो क्वालिटी है वो हमारी इनअप्रोप्रिएट है। क्वालिटी के टर्म्स में बात लेते हैं, हमने बताया था मैंने आपको एक अभी जो IS-73 के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, मैंने वहां पर पेविंग बिटुमिन के बारे में आपको बताया था, जिसमें हम मैंने बताया था कि आपको 7 टेस्ट परफॉर्म करने हैं। तो उस पेविंग बिटुमिन यानी हमारा जो विस्कस ग्रेड बिटुमिन जो आप यूज करने वाले हो, VG10 से लेके VG40 तक जो 4 ग्रेड के आपके पास ऑप्शन है, उनमें हमारी 7 टेस्ट के हिसाब से जो प्रिस्क्राइब लिमिट्स हैं, अगर वो हमारी अप्रोप्रिएट नहीं है, आप में हमारे पेमेंट्स में यूज कर रहे हो, तो ये डेफिनेट है कि हमारे डिफेक्ट्स किसी ना किसी फॉर्म में रिफ्लेक्ट होंगे। तो उसकी एक कैटेगरी में हमारे सरफेस डिफेक्ट्स आएंगे, तो ये इनअप्रोप्रिएट क्वालिटी हो गई। और दूसरा रीजन हो सकता है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो आपकी इनअप्रोप्रिएट है। इनअप्रोप्रिएट का मतलब ये हुआ कि ये आपकी आपने कम डाल दी, तो आपकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, हमारा जो अंडर द व्हीकल हमारा जो एग्रीगेट है जो आपने मटेरियल के साथ बाइंडिंग के लिए यूज किया हुआ है वो हमारा निकलने लगेगा, ठीक है। तो जो क्वांटिटी है वो अगर हमारी एक्सेसिव भी होगी या लेस देन ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट होगी तो हमारे डिफेक्ट्स ये सरफेस डिफेक्ट्स के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होंगे। तो अभी मैंने आपको फिगर्स दिखाए हुए हैं, साइड फोटोग्राफ्स हैं ये फैटी सरफेस, ये स्मूथ सरफेस, ये स्ट्रीकिंग सरफेस एंड ये हंग्री सरफेस। इनकी डिटेलिंग पर मैं हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। दूसरी की जो कैटेगरी के डिफेक्ट्स हैं वो हैं हमारे क्रैक्स। तो क्रैक्स मैं आपको बता देता हूं कि जो क्रैक्स है ये हमारी इंडियन रोड्स के हिसाब से मोस्ट कॉमन डिस्ट्रेस कंडीशन है ये, ठीक है, मोस्ट कॉमन डिस्ट्रेस कंडीशन जो हमारी विद पैसेज ऑफ टाइम यानी हमारी जो रोड्स हैं वहां पर टाइम के साथ यानी पैसेज ऑफ टाइम के साथ ये क्रैक्स हमारे पेमेंट के बिटुमिनस सरफेस पर दिखने लगते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दी सीवियरिटी कि हमारे क्रैक्स किस सीवियरिटी के हैं, हमें अकॉर्डिंगली प्रिकॉशंस अपने इमीडिएट एक्शन लेने होते हैं। तो क्रैक्स को हमने डिफाइन किया, हम बहुत तरीके से उनके पैटर्न के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, उनके हम लोकेशन के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो IRC ने कहा कि बेसिकली आप 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, जैसे ब्लॉक क्रैक्स, एलिगेटर क्रैक्स, एज क्रैक्स बिकॉज ये एज पर हो रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स जो कि पेमेंट में आप देख रहे हैं कि दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स, एंड यहां पर आप देख रहे हैं या मैप कैटेगरी में मैप के फॉर्म हमारे जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग एलिगेटर क्रैकिंग बोलते हैं, बिकॉज इस तरह की सरफेस हमारी एलिगेटर्स जो होती हैं उनके सरफेस स्किन जो होती है वो ऐसे ही कुछ दिखती है, जो पैटर्न है बेसिकली। तो बेस्ड ऑन द पैटर्न एंड द लोकेशन हमने क्रैक्स को इन 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उसका थर्ड कैटेगरी जो आती है जिसमें हमने अपने डिस्ट्रेसेस को ग्रुप किया, दैट इज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन जैसे आप नाम ही से आपको समझ में आ रहा है कि डिफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द ओरिजिनल शेप ऑफ द पेमेंट, यानी जिस ओरिजिनल शेप में आपने पेमेंट को ले किया, ठीक है, विथ ट्रैफिक कंडीशंस एंड विथ पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो उसका ओरिजिनल शेप था वो चेंज हो गया। तो वो जब चेंज हो गया तो जब चेंज होगा तो अलग अलग शेप्स आपको दिखेंगे, तो जो रिफ्लेक्शन है चेंज इन शेप्स का उसके बेसिस पर हम अपने डिस्ट्रेस कंडीशन को डिफॉर्मेशन को 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये हमारी आपको इस तरह का जब आप पेमेंट में दिखेगा इस तरह की हमारी नाली टाइप की बन जा रही है, दिस इज कॉल्ड रटिंग, ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर डिजाइन क्राइटेरिया जो मैकेनिस्टिक पैरामीटर है रटिंग डेप्थ, जो कि आप फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन में भी यूज कर सकते हो। तो वो हमारा बेसिकली डिफॉर्मेशन
डिस्ट्रेस कंडीशन में आता है। ये हमारे कॉरुगेशंस हो गए, ये हमारी शोविंग हो गई, ठीक है, ये हमारा सेटलमेंट एंड अपहेवल्स हो गए। आप परेशान होने की जरूरत नहीं, हम वन बाई वन नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम जो लास्ट ग्रुप है हमारा, दैट इज डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ हमारे जो डिफेक्ट्स हैं, अगर हमने उनको टाइमली ठीक नहीं किया, इमीडिएटली हम कह सकते हैं, अगर हमने इमीडिएटली उनको रेक्टिफाई नहीं किया तो दे विल रिजल्ट इन द डिसइंटीग्रेशन। और जो पेमेंट है हमारा, वो हमारा स्मॉल स्मॉल पैचेस में, लूज फ्रेगमेंट्स में बिखरने लगेगा, स्मॉल लूज फ्रेगमेंट्स। तो ये डिफेक्ट जैसे ही आपको पेमेंट में दिखते हैं तो इट दे नीड टू बी अटेंडेड इमीडिएटली, अदरवाइज अगर ये कंट्रोल नहीं किए जाएंगे तो इट विल लीड टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट, आपको नया पेमेंट बनाना पड़ेगा। आपने ध्यान भी दिया होगा कि अगर किसी रोड पर आपके गड्ढे हैं, यानी पैचेस हैं, जो आपके पॉट होल्स, इंडियन रोड कंडीशंस आप देखते होगे तो ज्यादातर जो हमारी कंडीशन है पॉट होल्स इस तरह के देखते हैं, अगर ये टाइमली हमारे नहीं फिल करके रेक्टिफाई किए गए तो दे रिजल्ट इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पेमेंट सर्फेस, और हमारा बहुत तेजी से डिग्रेडेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है पेमेंट का, एंड इट विल रिजल्ट इन द पैच रिपेयर वर्क, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट विल बी रिक्वायर्ड। तो पंपिंग हो गई, रेवलिंग हो गई, पॉलिश एग्रीगेट्स हो गए एंड पॉट होल्स हो गए। तो ये हमारे कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियोज में हम वन बाय वन एक एक डिफेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेगा और जो आपके इंटरव्यू भी होने वाले हैं उनके हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट्स हमारे फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं रोड सेक्टर में, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।